पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक खुली चुनौती भी है। मगर उधर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालका से बीजेपी प्रत्याशी लतिका शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राजनाथ सिंह राफेल के शस्त्र पूजा कर रहे थे तो कांग्रेस हंस रही थी। रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि दामाद जी ने गुरुग्राम से लेकर के पंचकुला तक कोई जमीन नहीं छोड़ी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं किया हो। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले भाई भतीजावाद, नौकरियों में लेन देन और जमीनों के घोटाले होते थे, लेकिन मनोहर सरकार के आने के बाद नौकरी में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला रहा। दसवीं के दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा सेनाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस में राफेल विमान जो दुश्मन के दांत खट्टे करने की क्षमता रखता है उसका शस्त्र पूजन कर रहे थे तो कांग्रेसी हंस रहे थे। अपने देश की ताकत बढ़ने पर जिन लोगों को हंसी आती हो, जिन लोगों को अपने देश के गौरव और वैभव पर सम्मान की अनुभूति ना होती हो, उन कांग्रेसियों से कोई उम्मीद आप करते हैं क्या?